हेलो दोस्तों, ब्रॉन टू राइड यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कार ड्राइविंग कैसे सीखी। अगर आप कार चलाना नहीं जानते, आप नया है और सीखना चाहते हैं, तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए बीजिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला काम आपका होगा गाड़ी में बैठने के साथ ही आप अपना सीट बेल्ट लगा दें। तो मैंने अपना सीट बेल्ट लगा दिया। अब आप अपने हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा इतना पड़ा। हाँ दोस्तों, पहली बात तो हम लोग जब कार में बैठे तब हमारा ये हैंडल लगा हुआ होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो गियर है वो अगर इस तरह होता है तो ये न्यूट्रल है। अगर ये हो गया तो ये एक नंबर में लग गया। सीधा पीछे धकेल दिया तो आ गया 2 नंबर। ऐसा करके सीधा आगे दे दिया तो 3 नंबर, ये 4 नंबर। और रिवर्स के लिए आपका हो गया ये रिवर्स, राइट में लेके बैक देने से रिवर्स हो जाता है। और दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये सब क्या होता है। आपको तो शायद ए भी आता ही होगा हर किसी को, कि ए है ए फॉर एक्सेलेटर, ये बी फॉर ब्रेक और ये सी फॉर क्लच। आपको उल्टा ए बी सी आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपका पैर ऐसा होना चाहिए, आपका क्लच ऐसे दबा हुआ होता है, ये एक्सेलेटर ऐसे दबेगा और आपका ये ब्रेक ऐसे। जब आपका ज़रूरत हो तो एक्सेलेटर दबा सकते हैं, जब ज़रूरत नहीं तो ब्रेक प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं और क्या क्या करना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा ये चाबी कैसे वर्क करता है। ये देखिए, एक बार घुमाया तो आपका इग्निशन ऑन नहीं होगा, दूसरी बार आपका इग्निशन ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखने जा रहे हैं सिंपली ये एक्सेलेटर, ये आपका गियर न्यूट्रल है या नहीं। ये हमारा तो गियर न्यूट्रल में है, तो हैंड ब्रेक ऐसा ही लगा हुआ होना चाहिए अभी तक। तो बाद में आप देखिए, ये हम चाबी को ऐसे एक बार घुमा देंगे तो हो गया स्टार्ट। अब हम ये देखिए दोस्तों, ब्रेक प्रेस कर देंगे और आपका हैंड ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, देखिए हैंड ब्रेक डाउन है पूरा। अब गियर नब को पकड़ते हैं, इसको पकड़ लिया, लग गया 1 नंबर। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या होता है, कुछ लोग इतना ज़्यादा एक्सेलरेटर दे देते हैं कि गाड़ी पहले ही बंद हो जाता है, अचानक क्लच छोड़ रिलीज कर देते हैं तो गाड़ी बंद है। अब क्या करिए, ऐसे मैं आपको पास से दिखा दूँ। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेटर दे रहा हूँ और इसको क्लच को छोड़ो। हाँ देखिए दोस्तों, तो देखिए हमारा गाड़ी अब चलने लगा। देखिए दोस्तों, तो ऐसे करके ऐसे आप चला सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि रिवर्स कैसे होते हैं। ये देखिए, ये हमारे जो गियर, अभी गियर रिवर्स में है, अगर आपको पता है। ये देखिए, गियर रिवर्स में लेते हैं। तो ये अभी हमारा गाड़ी चल रहा है। दोस्तों, बुरा मत मानना, मैं अकेले ही शूट कर रहा हूँ, इसलिए कैमरा भी मुझे पकड़ना पड़ता है और गाड़ी भी मुझे चलाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपका ब्रेक में पैर है तो गियर डल गया 1 नंबर पे ऐसे। अब
जब भी गाड़ी खड़ा हुआ होता है और आप गाड़ी को कहीं ले जाना चाहते हैं तो एक नंबर से ही शुरू कीजिए। ये से देखिए, ये जाएगा सीधा, ये देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।